नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल मशहूर वकील कपिल सिब्बल की शिकायत के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड वो करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद इस वक्त पूरा देश कर रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड कपिल सिब्बल की शिकायत के बाद जस्टिस संजीव खन्ना से सवाल करने जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को बड़ा निर्देश भी देने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बता रहे हैं, यह मामला है क्या। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कैसे जस्टिस संजीव खन्ना के पास ही इस वक्त देश के तमाम हाई प्रोफाइल केस लगे हुए हैं और इसमें किसी को भी जमानत मिल जाए इसकी उम्मीद भी कम रहती है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक बार फिर से रखा और उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक के जस्टिस पर सवाल खड़े करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अपनी अर्जी लगा दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैरान थे, परेशान थे और उन्होंने कहा कि यह मामला भी संजीव खन्ना के बेंच के पास है। उन्होंने कहा, हाँ साहब, सारा मामला तो उनके ही पास है। बताते हैं पूरा मामला क्या है। इसके साथ ही साथ यहां आपको जानकारी दे दें कि रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार जिस हिसाब से केस की लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है। उधर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि किसी न किसी रूप से तमाम केस अगर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास ही पहुंच रहे हैं तो रजिस्ट्री की क्या भूमिका है, इसको लेकर भी अब जांच हो सकती है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं कि हेमंत सोरेन का मामला क्या है और कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ऐसा क्या कहा कि सीजीआई साहब ने कहा तुरंत मेल कीजिए, हम इस पर गौर करते हैं। यहां देखिए अपने स्क्रीन पर दैनिक जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत, ईडी की गिरफ्तारी को बताया गलत। रिपोर्ट में थोड़ा देखिए। फिर हम कपिल सिब्बल और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बीच क्या चर्चा हुई वह बताने वाले हैं। यहां लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जब वो रुख करने गए तो उनके सामने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। यहां लिखा गया है कि हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया है। दरअसल हेमंत सोरेन को जेल से बाहर लाने के लिए कपिल सिब्बल तमाम प्रयास कर रहे हैं। हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन राहत मिल नहीं रही। हालांकि हेमंत सोरेन आज कुछ घंटे के लिए जेल से बाहर आए थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं। बात मुद्दे की करते हैं। हेमंत सोरेन को इसलिए बाहर लाने की कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे। जो 13 मई से झारखंड में चुनाव होने हैं लोकसभा के, 1 जून तक वो चलना है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन का बाहर होना जरूरी है क्योंकि वो अपने पार्टी के लिए सबसे अच्छा नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। उनके भाषण से, उनके अपील से लोगों में जागरूकता आएगी और उनकी पार्टी के लिए वोट किया जाएगा। लेकिन इसी चिढ़ की वजह से कहा जाता है कि षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेज दिया गया ताकि वो लोकसभा चुनाव में दिखाई ना दें और चुनाव प्रचार ना कर सकें। इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होता। अब आइए इस मामले में क्या कहा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर लीजिए। फिर उन्होंने समस्या बताई। कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद हमने 4 फरवरी को हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन सुनाया नहीं।
उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा। फिर कपिल सिब्बल आगे अब गंभीर समस्या से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को रूबरू कराते हैं। बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल आगे कहते हैं, राज्य में पहले चरण का मतदान 13 मई से शुरू होने जा रहा है, इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते नोटिस जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। सिब्बल ने इस दौरान कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के अधिकार को इस तरह से कुचला जा रहा है। मतलब जब सुनवाई शुरू हुई हेमंत सोरेन के मामले में ईडी से जवाब तलब किए गए, तो फिर जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया कि इस बीच झारखंड हाईकोर्ट चाहे तो फैसला सुना दे। तब तक वो फैसला लंबित रखे हुए थे और अचानक से हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी जाती है। फिर कपिल सिब्बल अब पहुंचते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास और बताते हैं कि क्या खेल चल रहा है, कि हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, फैसला नहीं आया। संजीव खन्ना के बेंच के पास गए तो वहां से जैसे ही यह निर्देश आता है कि चाहे तो फैसला सुना दे, तो तुरंत याचिका हमारी खारिज कर दी जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यह। अब यह मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो सवाल करते हैं। अब वो क्या सवाल कर रहे हैं, इसके लिए लाइव लॉ के ट्वीट को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। तो अब लाइव लॉ ने भी कपिल सिब्बल और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातचीत को पॉइंट टू पॉइंट सामने रख दिया है। सिब्बल वही जानकारी फिर से देते हैं, थोड़े तथ्यात्मक ढंग से यहां लिखा गया है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, हमने 4 फरवरी को हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। चुनाव का चरण 13 तारीख से शुरू हो रहा है, हमने आर्टिकल 32 के तहत याचिका लगाई और इस अदालत का रुख किया, तो इस अदालत ने नोटिस जारी किया और उन्होंने यानी हाईकोर्ट ने 3 तारीख को फैसला सुनाया। हमने रात में SLP दायर की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो CJI कहते हैं, यह जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने है। सिब्बल कहते हैं, हाँ, दूसरा मामला भी कल जस्टिस खन्ना के ही सामने। CJI कहते हैं कि एक ईमेल हमें भेजिए, इस पर हम गौर करने वाले हैं। अब ऐसे में CJI डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना को कुछ निर्देश देने वाले हैं, क्योंकि इस बीच खबर यह आई कि रजिस्ट्री में भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। जो तमाम केस संजीव खन्ना के पास ही लिस्ट होते जा रहे हैं या फिर अन्य जो भी मामले, इसमें बस आशंका है। लेकिन जो तथ्यात्मक तौर पर यह खबर आई है वह किसी और भी केस से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोगों के मन में यह भी सवाल है कि तमाम ऐसे मामले CJI डीवाई चंद्रचूड़ क्या अपने नेतृत्व में जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपते हैं। अगर जस्टिस खन्ना को सौंपते हैं तो फिर यहां पर वो सवालिया लहजे में क्यों है, यह हैरान कर देने वाला मामला है। अब जरा देखिए यहां पर कि वो जो रजिस्ट्री वाली बात हम आपको बता रहे हैं उस पर भी एक रिपोर्ट है और यहां इस ट्वीट में कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे May 6 साउट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इट्स रजिस्ट्रार जुडिशियल अगेंस्ट द लिस्टिंग ऑफ द केस विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। अब यहां कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 6 मई को एक एक्सप्लेनेशन मांगा है, जवाब तलब किया है अपने जुडिशियल रजिस्ट्रार से कि जिस तरीके से केस लिस्ट किए जा रहे हैं उसमें नियम कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर इसमें कुछ आशंका है, जो कि पहले भी दुष्यंत दवे हों या बड़े बड़े वकील हों आशंका व्यक्त कर चुके हैं कि केस की लिस्टिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी तो हो रही है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब CJI डीवाई चंद्रचूड़ क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, ऐसे में नेतृत्व और जवाबदेही उनकी भी बन जाती है। तो देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन के मामले में क्या बेंच बदला जाएगा, क्या हेमंत सोरेन के मामले में तमाम केस को एक साथ क्लब करके जस्टिस संजीव खन्ना को ही दिया जाएगा कि आप इस मामले में सुनवाई करें। तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हेमंत सोरेन का और अरविंद केजरीवाल का इस वक्त लोकसभा चुनाव के दरमियान बाहर आना उनके पार्टी हित में बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से BJP एक तरफा मैच करना चाहती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो इन तमाम हालात के बीच CJI डीवाई चंद्रचूड़ का एक बड़ा फैसला
इन सब की किस्मत भी बदल सकता है और न्याय इंसाफ ये जो बातें होती हैं ये भी आपको दिखाई पड़ सकती है। कपिल सिब्बल हूँ, अभिषेक मनु सिंह भी हूँ, लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि इन लोगों को राहत मिल जाए ताकि ये किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार ना हो। तो इंतजार कीजिए कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी की मेहनत क्या रंग लाती है, क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अब इस मामले को गंभीरता से लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना से केस वापस लिया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं लेकिन बहुत कम चांसेज हैं क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं। ऐसे में सीनियर मोस्ट जज से केस लेकर किसी और बेंच में शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ भी सवाल खड़ा होता है कि सीनियर के हाथों से केस लेकर जूनियर को क्यों दिया जा रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी के मामले में ऐसा ही सवाल उठा था जो प्रशांत भूषण और दुष्यंत दबे ने उठाए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा सब कुछ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे और जुडिशरी में निष्पक्षता बनाए रखेंगे ऐसी उम्मीद देश की जनता उनसे कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।